राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और सुबह हो गई है, अब चाय वगैरह हम सब लोग सब पी के फ्री हो गए हैं। अब मैं करूँगी किचन के काम, तो चलिए आपको भी दिखाऊंगी किचन के क्या पूरे घर के ही काम करने हैं। कल तो ऐसा कुछ खास हो नहीं पाया था क्योंकि हमारे घर में चाचा जी हैं, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए कल ना ही ब्लॉग शूट हुआ था, ना ही कुछ घर के काम भी नहीं हुए थे। अब देखते हैं उनके घर क्या हो गया है, उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। चाचा जी यंग ही थे, कम उम्र थे अभी, लेकिन कुछ परेशानियां थी, उन्हें डेंगू हो गया था कुछ समय पहले, और उसके बाद फिर मतलब कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत बनी ही रही थी। काफ़ी टाइम से तो वो नोएडा में एडमिट थे हॉस्पिटल में, लेकिन कल उनकी डेथ हो गई। फिर इसलिए मतलब बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। चलिए जी, सबसे पहले रखूँगी दूध गर्म होने के लिए, उसके बाद फिर मट्ठा चलाने के लिए लगाऊँगी। और पहले किचन समेट लेते हैं, मट्ठा चलाने के बाद फिर बर्तन वगैरह इकट्ठे करके सारे बर्तन साफ़ करूँगी, और फिर सब्जी बनाऊँगी। और बथुआ उबाल के रख लिया था, तो पहले उसको पानी से पानी निचोड़ कर पीस के फिर उसका आटा लगाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। पहले मट्ठा लगा दें, उसके बाद फिर बथुए को पानी से निकाल देंगे अलग। फिर उसको मैं सिल पे पीस के लाऊंगी। मिक्सी के पिसे बथुए में माजी को नहीं अच्छा लगता है बिल्कुल भी, तो वो सिल का ही पिसा पसंद करती है। उसी में फिर हींग, जीरा और थोड़ा दो एक आध लहसुन की कली डाल के पिसवाती हैं बथुआ। तो उसी तरीके से पीस के उसे आटे में डालकर फिर रोटियां बनाएंगे। आज आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी और बथुए की रोटी बनेंगी। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। ये बथुए को मैं पानी से निचोड़ रही हूँ, बथुए का पानी निकाल कर उसे कटोरी में रख दूँगी। अभी पहले बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर बथुए को पीसूँगी। कहा, मम्मी मुझे चौकोस खाना है, तो पहले अब उसे चौकोस दे रही हूँ, उसके बाद फिर किचन समेटूँगी, क्योंकि वो तो जब बोलना शुरू कर देता है तो फिर शांत होता ही नहीं है, इसलिए उसे पहले देना पड़ता है काम छोड़ के। बच्चा है, मानता ही नहीं है, और किसी और के हाथ से लेगा भी नहीं, मेरे ही हाथ से लेगा खाने के लिए जो भी चाहिए। तो चलिए पहले उसे चौकोस दे देती हूँ। और चौकोस में चीनी भी चाहिए, बॉर्नविटा भी चाहिए, बिना चीनी बॉर्नविटा के चौकोस भी पसंद नहीं करते। वैसे भी कुछ ज़्यादा ही मीठा खाता है, मिर्च वगैरह तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बहुत कम खिला, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत ही कम खाता है। और ज़्यादा कुछ ज़बरदस्ती करो कोशिश कर खिलाने की तो वोमिट कर देता है फिर। Thank you.
माँ जी ने कहा तुम भी नाश्ता कर लो, तो मैं और कृष्णा भी अब चौकूस का नाश्ता करेंगे, क्योंकि कल कुछ ठीक से खाना पीना नहीं खा पाए थे। अब डस्टिंग करके उसके बाद फिर पोछा लगाऊंगी, झाड़ू तो लग गई है पूरे में, डस्टिंग करने के बाद पोछा लगा के फिर खाना बना के सबको खाना खिलाऊंगी। अब मैं लगा रही हूँ आटा, सब्जी बन गई है, बस उसे धनिया डालकर पकाना है। तो जब तक प्रेशर निकल रहा है इतनी देर में मैं आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। ये आलू टमाटर की सब्जी बन गई है, अब इसे बस थोड़ा सा धनिया डालकर पका रही हूँ और अब सेकूंगी मैं रोटियाँ सबके लिए। चलिए मैं रोटियां सेक के सबको खाना खिला देती हूँ। ओम तो खाता नहीं है ग्रीन वाली, तो उसके लिए तो प्लेन वाइट रोटियां बनाऊंगी। बस सब्जी पक जाए थोड़ा सा, सबको खाना दे देती हूँ। क्या हुआ, क्यों आ रहा है चिपचिपकी, क्यों आ रही हो बोलो ना। दादा नहा ले तो उससे बोल देना गाय को रोटी दिया है बेटा। हाँ बेटा गाय को रोटी दिया और कुछ नहीं, पहले गाय को रोटी दिया उसके बाद फिर तुम भी खाना खा लो करना। ये तो जल्दी आना वापस, ठीक है। चल तू बाबा जी को और खाना दे, फिर तेरे लिए लगा दूंगी जब तक। मैं आज दही की मना करना है, दर्द ना है पहले, फिर आपको धीरे धीरे भी लगा दूंगी। चलिए जी हम नहा धोकर फ्री हो गए हैं, खाना वाना सबने खा लिया है और कल माँ जी आ गई थी चाचा जी की वजह से, तो अब माँ जी और ये जा रहे हैं शादी में। हमारा जाना तो कैंसिल हो गया क्योंकि बच्चों के पास कोई नहीं है। बुआ जी को बुलाने की सोचा था छोटी वाली को, लेकिन उनकी तबीयत भी खराब हो गई है इसलिए वो भी नहीं आ पा रही है अब, इसलिए अब ये लोग जाएंगे। ये तो रात को ही वापस आ जाएंगे, माँ जी तो अब 2-4-6-8 दिन में आएंगी, जब देखते हैं कब आती हैं। तो चलिए मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय करने आ गई है। हाँ, बाय।